हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप कैसे, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं माँ दुर्गा की विदाई करने के लिए। और नवरात्रि का जो लास्ट दिन था, जब विसर्जन होता है, तो उस दिन का ये वीडियो है। बहुत दिन से वेटिंग में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अपलोड कर दिया जाए। और फाइनली आज का ब्लॉग बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं माँ दुर्गा की विदाई करने के लिए। और अभी देखिए, मूर्तियों को यहाँ पर रख दिया गया है ट्रॉली पर। और अभी ये बहुत सारा जश्न होने वाला है और डीजे लगातार अपने परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और एक से एक कंपटीशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारी तैयारियां हैं जो करी गई हैं, ये सब आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। और सारा प्रोसेस दिखाऊंगा मैं कि जो मूर्तियां हैं हम ऐसे विसर्जित करते हैं और कहां ले जाते हैं विसर्जन करने के लिए, और क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे विसर्जित होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो लगातार देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है, बहुत सारे श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, जो माता की विदाई में आए हुए हैं। और बहुत ही अल्टीमेट नज़ारे हैं। अब आप देखिए, यहाँ पंडाल में पूजा करी जा रही है, और पूजा के बाद यहाँ जो मूर्ति है इसे भी उठा करके ट्रॉली में रखा जाएगा, और उसके बाद ये सारी की सारी झांकियाँ जाएंगी विसर्जन के लिए। तो सागर बाज़ार का ये नज़ारा है, और सागर बाज़ार में मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो स्थापित करी जाती हैं, और लाइन से उन्हें एक यात्रा में निकाला जाता है। रथ यात्रा होती है और बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, और बहुत दूर दूर से यहाँ पे डीजे आते हैं, और एक अच्छे लेवल पे जो आयोजन है वो किया जाता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और डेकोरेशन गाइस नेक्स्ट लेवल का होता है, और सब डीजे की थाप एकदम थिरकते हुए दिखाई देते हैं, और पूरा जश्न का माहौल होता है। वो जश्न इसलिए होता है गाइस कि माता की विदाई है, और ये मनोकामना हम लोग करते हैं कि अगले साल माता फिर से आए हमारे गांव, और जहां हम लोग रहते हैं फिर से वहां दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाए। तो गाइज़, ये जो दुर्गा पूजा पंडाल है जो जीजीआईसी के पास लगाया जाता है, यहाँ भी मूर्तियों को पूजा करने के बाद अब इसमें ले जाया जाएगा, ट्रॉली में रखा जाएगा, और फिर भव्य दुर्गा पूजा जो आयोजित हुआ था उसका समापन करने के लिए लोग एकत्रित हो चुके हैं, और कुछ इस तरीके से रखा जाता है ट्रॉली में। और गाइज़, बहुत ही इंजॉयफुल ये मोमेंट है, और यहाँ पर बहुत सारा भंडारा का आयोजन भी होता है, तो वो सबका सब 4 बजे से शाम स्टार्ट हो जाता है और रात्रि तक चलता है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो बहुत सारा एंजॉय कर पाएंगे। एक और झांकी आ गई है पीछे, बहुत जबरदस्त डीजे कंपटीशन हो रहा है, बहुत ज्यादा एंजॉय होने वाला है। तो भी दिखाते हैं पूरा डीजे कंपटीशन, बहुत ही जबरदस्त। तो गाइस, एक और झांकी आ गई है, जो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है, बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। देखिए, दिखा रहा हूँ, मजा आएगा। जुग जुग जीवे तेरा, जमुई दराजा, जिस तेरा पवन बल भाया मंदर बिच, आरती जय माँ पवना वाली, आरती जय माँ सिमर।
तो गाइस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से डीजे कंपटीशन हुआ और बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे। लगभग रात के 9-10 बजे तक ये कंपटीशन चला और बहुत सारा एंजॉय लोगों ने किया। अब गाइस हम उस प्लेस पर पहुंचने वाले हैं जहां पे मूर्ति विसर्जन किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि सागर बाज़ार में जितनी भी मूर्तियाँ लगती हैं उनमें से दो जगह मूर्ति विसर्जन कराया जाता है। इसौली घाट जो कि पड़ता है मुसाफिर खाना के आगे, वहाँ भी लोग जाते हैं मूर्ति विसर्जन करने के लिए। वहाँ पर गोमती नदी प्रवाहित है तो वहाँ पे भी मूर्ति विसर्जन किया जाता है। दूसरा है कि जो उल्टा गढ़ा धाम है वहाँ पे एक नहर है, वहाँ पे मूर्ति विसर्जन किया जाता है। तो गाइस हम वहाँ पे भी पहुँच चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि रात के अंधेरे में यहाँ भी बहुत सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं और यहाँ पे ये जो नदी दिख रही है बहुत सारा यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे मूर्तियों को प्रवाहित किया जाता है और विसर्जित किया जाता है। और आप देख पाएंगे कि प्रोसेस क्या है मूर्ति विसर्जन का, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ट्रॉली पे दो दो मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं और यहाँ पे जो लोग डीजे और सारी साज सज्जा की सामग्री लेकर के आते हैं उन्हें यहाँ पे उतारा जाता है। उतारने के बाद बाकायदे यहाँ पे आरती करी जाती है, माता की आराधना करी जाती है, पूजा करी जाती है। उसके बाद फिर विधि विधान से इन मूर्तियों को जल में प्रवाहित किया जाता है। बहुत ही दुखद क्षण होता है गाइस, मैं क्या बताऊँ, अगर आप रहेंगे तो आपकी भी आँखें यहाँ भर जाएंगी क्योंकि ये ऐसा मोमेंट होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, दिल में दर्द सा रहता है गाइस, एकदम से आँखें नम हो जाती हैं। बहुत ही इमोशनल वाला मोमेंट होता है। गाइस यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है मूर्ति विसर्जन के लिए और लाइन से ही मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है। उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, करीब 2-2, 3-3 घंटे हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे जो मूर्तियाँ विसर्जित हो रही थी मैं उनको दिखा रहा हूँ और इसके बाद मैं दिखाऊँगा कि जो सागर बाज़ार की जो मूर्ति है उसका विसर्जन कैसे किया जाता है। बाकायदे यहाँ पे प्रशासन भी मुस्तैद रहता है, प्रशासन भी अपनी ड्यूटी देता रहता है कि कहीं कोई भी समस्याएं किसी को ना हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से मूर्तियों को जल में प्रवाहित करा जाता है। यहाँ पर गाइस आपको छोटी छोटी मूर्तियाँ और बहुत बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं भी देखने को मिलती हैं जो 9 दिन पूजा करने के बाद अंततः जल में प्रवाहित करने के लिए विसर्जन के दिन यहाँ पर लाई जाती हैं और यहाँ पर नम आँखों से माँ को विदाई दी जाती है। और आप देख पा रहे होंगे कितनी सुंदर प्रतिमा है माँ दुर्गा की और लोग इन्हें प्रवाहित कर रहे हैं और जयकारे से ये पूरा का पूरा इलाका गूंज रहा है। और लगभग अभी समय है 12 बजे, तो 12 बजे यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है रात्रि में। और बहुत ही सुखद अनुभव भी है और बहुत दुखद भी अनुभव है, जैसी जिसकी भावना वैसे इस मोमेंट को लोग देखते हैं। तो गाइस फाइनली अब हमारा नंबर आ गया है और सर्वेश भाई और राजन भाई अब जा रहे हैं मूर्ति विसर्जन के लिए। और अभी जो मूर्ति विसर्जन हो रहा है ये है गणपति बप्पा मोरिया का और उनको विसर्जित किया जा रहा है। और उसके बाद लक्ष्मी जी आ गई हैं, अब इनका भी विसर्जन यहाँ पे किया जाएगा। और इसी तरीके से जो जो छोटी मूर्तियाँ हैं पहले उनको विसर्जित कर दिया जाता है, जल में प्रवाहित कर दिया जाता है और उसके बाद फिर फाइनली आता है बड़ी मूर्ति का विसर्जन जो होता है माँ अम्बे जी का। तो गाइस आस्था का जो जन सैलाब होता है वो अगर आपको देखना है तो आप दुर्गा पूजा में देख सकते हैं। यहाँ भी देखिए सब के सब लगे हुए हैं मूर्ति विसर्जन में, अपना अपना योगदान दे रहे हैं
और लक्ष्मी जी, गणपति बप्पा, मौर्या सबको एक साथ यहाँ पे रखा जा रहा है। और इसके बाद माँ अम्बे जी की मूर्ति को यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे विसर्जन किया जाएगा। तो ये है हमारे यहाँ की मूर्ति, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मूर्ति थी, बहुत सारे लोग इसमें लग रहे थे उतारने के लिए नीचे। और फाइनली अब हम लोग ले जा रहे हैं माँ अम्बे जी को विसर्जन के लिए और बहुत ही खूबसूरत पल है गाइस। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा क्योंकि फिर से नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है और इस बार भी बहुत बड़े बड़े पंडाल सजाए जाएंगे जो कि सागर बाज़ार में लगेगा। तो इस बार का भी दुर्गा पूजा बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और देखिए आप, अंतिम मोमेंट है बस, बहुत जल्द हमारी जो मूर्ति है उसका विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद सारे भक्तगण वापस जाएंगे अपने घर और जयकारा लगाएंगे, बोल सच्ची दरबार की जय। तो गाइस फाइनली कुछ इस तरीके से माँ अम्बे जी, माँ दुर्गा जी और गणेश जी और लक्ष्मी जी का कुछ इस तरीके से मूर्ति विसर्जन किया गया जो कि सागर बाज़ार का दुर्गा पूजा पंडाल था। और बहुत सारे यहाँ के स्थानीय लोग एकत्रित हुए थे और कुछ इस तरीके से हमने माँ अम्बे जी को विदाई दे दी और उनसे यही आशीर्वाद मांगा कि माँ फिर से अगले साल हमारे द्वार आए। और तो गाइज़ ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा गाइज। और फिर से नवरात्रि आने वाला है तो इस बार भी बहुत सारी धूम मचने वाली है। तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।